देखो अब एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं तुम्हारे साथ। किसका? वेब ब्राउज़र के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस, है ना? वेब ब्राउज़र है क्या, कैसे काम करता है, ठीक है? ये कैसे काम करेगा हमारा वेब ब्राउज़र, समझ रहे? जैसे मैं आपको समझा दूँ, इसके कई सारे पार्ट हैं। एक मैं पहले पेंट खोल लेता हूँ। पेंट पेंट में गए, ये देखो, ये आपका सर्वर है, समझ रहे? ये आपका कंप्यूटर है, ये समझ रहे? आपकी जो वेबसाइट है, आपने एक पेज बनाया था index.html के नाम से, बनाया था? नहीं, किस नाम से बनाया था? कहां पर है वो? index.jsp के नाम से बनाया था। कहां पर मिलेगा ये आपको? सर्वर पे। कहां मिलेगा? सर्वर पे। आपने index.jsp के नाम से एक पेज बनाया था, कहां पर है वो? सर्वर पे। जिस टाइम आप पेज ले रहे हो, उस टाइम ये फीलिंग आनी चाहिए तुम्हारे अंदर में, सर्वर पे काम कर रहा, समझे? पेज बना रहे हो जिस टाइम, वेबसाइट जब प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आप कहां बनाते हो सारा ये? सर्वर पे, ठीक है? अब इस सर्वर पे हमारा एक टॉम कैट नाम का है ना, या ग्लास फिश नाम के, ये वेब सर्वर है। क्या है हमारे? वेब सर्वर है हमारे, ठीक है जी? आपने बनाया, अब आपने जैसे ही वेबसाइट को रन किया, एग्जीक्यूट करा, एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए आपको वेब सर्वर। तो आपने वेब सर्वर कौन सा यूज करा? टॉमकैट और ग्लासफिश, दोनों में से कोई सा यूज कर लो, एक यूज कर लेंगे। वैसे बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। तो जैसे हमने हमने टॉमकैट एग्जीक्यूट करा, अब इसने क्या करा, आपका जो प्रोग्राम था वो एग्जीक्यूट चला, एग्जीक्यूट कर दिया आपका प्रोग्राम। एग्जीक्यूट होने पर आउटपुट कहाँ दिखेगा? ब्राउजर पे, है ना? तो ये क्या करता है, हमारा जो वेब सर्वर है, ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट किस कहां सेंड कर देगा? ब्राउजर पे, आपके कंप्यूटर के ऊपर। यहां वेब ब्राउजर रन होगा, यहां पर क्या रन होगा? यहां पर, ये यहां पर वेब ब्राउजर में ये जो वेबसाइट एग्जीक्यूट हुई, इसका आउटपुट वेब ब्राउजर में दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा? वेब ब्राउजर में, ठीक है? अब आपका वेब ब्राउजर ही रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर से कि मुझे ये वेबसाइट खुल जाए। वेब ब्राउजर क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। हाँ, तो वेब ब्राउजर हमारा रिक्वेस्ट करता है सर्वर को कि ये वेबसाइट खुल जाए, इंडेक्स डॉट। तो क्या करता है, वेब सर्वर कहां पर है? सर्वर पे। वो क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद किसको दे देगा? वेब ब्राउजर को। और वो आउटपुट कहां दिखाई देना शुरू हो जाएगा? यहां पर आउटपुट आना शुरू हो जाएगा, जो भी तुम्हारा आउटपुट होगा, ये आउटपुट तुम्हारा यहां आना शुरू हो जाएगा, जो भी है, समझ रहे? वेब ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। अब हमारा कंप्यूटर ही वेब सर्वर की तरह काम कर रहा है, यही सिंगल सिस्टम, और यही हमारा ब्राउजर की तरह काम कर, क्लाइंट की तरह काम कर रहा है। जो रिक्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट। क्या बोलते हैं? क्लाइंट। ये हमारा क्लाइंट हो गया, ये क्लाइंट कंप्यूटर हो गया, ठीक है? ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक अलग सिस्टम में वेब सर्वर इंस्टॉल कर लो, है ना, और उसे लैन केबल के थ्रू अटैच कर लो, है ना? वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा आपको, दो लैपटॉप चाहिए कम से कम, समझ रहे? लेकिन हमें वेबसाइट बनानी है। हाँ, एक क्लाइंट की तरह काम करेगा और एक सर्वर की तरह करेगा, लेकिन यही मेरा जो सिस्टम है, समझ रहे? जब वेबसाइट एग्जीक्यूट हो रही हो तो समझ रहे हो क्या हो रहा, सर्वर पे काम चल रहा, और जब आउटपुट आपको दिखाई देने लग जाए तो क्लाइंट पर काम कर रहा है। ऐसे समझ लो, ये नेट बीन जो खुला हुआ है इस टाइम में, समझोगे मैं सर्वर पे हूं। अब क्या फील करो कि मैं सर्वर पे हूं फिलहाल, है ना? और जैसे ही आपके सामने आ जाए, ये समझ रहे हो क्या है, क्लाइंट है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी होगी इस पेज की, जिस पे क्या लिखा है? गूगल पे, ठीक है? अब थोड़ा सा वेब ब्राउजर के बारे में देख लो। मैंने यहां राइट क्लिक किया, एक आता है व्यू
पेज सोर्स, क्या आया? व्यू पेज सोर्स। इसका मतलब क्या है? अभी मैंने बताया था तुम्हें कि आपका जो सर्वर है उसने कुछ आपके पास भेजा, जब तो कुछ दिखाई दिया, बोलो। सर्वर ने कुछ ना कुछ डेटा आपको भेजा, किसको भेजा? क्लाइंट को, तभी तो आउटपुट आया। अब हम वो देखते हैं इसने भेजा क्या। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये सारा कोड लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? सर्वर पे। ये कोड किसको भेज दिया? क्लाइंट को। चेक करो, ये है, मैंने राइट क्लिक करा, देखते हैं उसने यही भेजा क्या। मैच करो, यही था कोड वो, बोलो या नहीं? यानी कि उसने सर्वर हमें कुछ कोड भेजता है, समझ रहे? वो हमारा वेब ब्राउजर इस कोड को एग्जीक्यूट करता है और हमें ये आउटपुट दिखा देता है। सर जो हमारा सर्वर है वो डायरेक्टली आउटपुट नहीं वेब ब्राउजर के पास भेजता है, वो पूरा कोड ही भेजता है। हाँ, वो स्टैटिक कोड भेज देता है, इसको स्टैटिक कोड बोलते हैं। एग्जीक्यूट करके ये आउटपुट दिखा देगा, गूगल आ गया, इस कोड का आउटपुट ये आ गया। तो सर हर एक वेबसाइट का ऐसे दिख जाएगा? हर वेबसाइट का दिख जाएगा। सर हर को फिर कोई कोड नहीं चोरी कर जाएगा? मैंने कहा स्टैटिक कोड है, क्या करोगे इसका? फिक्स है वो, डायनेमिक चाहिए मुझे तो। यस सर, चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं हो सकता। समझ रहे? कॉपी कर लो, क्या हो गया, करोगे क्या इसका? अच्छा सर, इस कोड को कोई नहीं छिपाता, ये सबका ओपन सोर्स है, समझ रहे? समझ आया? अब मैंने राइट क्लिक करा, इस पे गया इंस्पेक्ट पे क्लिक। इंस्पेक्ट पे क्लिक करते ही देखो कई सारे एलिमेंट पार्ट्स खुले। एक तो ये वाला एरिया खुल रहा, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा, एक एरिया ये दिखाई दे रहा, एक ये इधर बहुत सारे एरियाज खुलते हैं ये हमारे, है ना? हम वन बाय वन सारे एरिया डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये जो पेज दिखाई दे रहा है इधर जो साइड में खुला, इसका कोड ही है, इसकी प्रोग्राम ही है। देखो हैंग नहीं, इसका प्रोग्राम ही है, ये दिखा रहा है ना? और अच्छा, ये किस कलर से दिखाई दे रहा? क्यों भाई, ब्लैक से क्यों दिखाई दे रहा? क्योंकि सर जो बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, इसकी जो इसका जो नेचुरल कलर है ब्लैक है। इसकी जो सी एस एस है, डिफॉल्ट जो सी एस एस है, क्या है? ब्लैक है। हेडिंग की हाँ, H1 की। अभी मैंने H1 में क्या लिखा है? गूगल दिखाई दे रहा। अब मैंने क्या कहा, H1 कैसा है? ब्लॉक लेवल है, है ना? नीचे चेक करो, यहाँ जाओ देखो, इसे वाले एरिया में H1 आ रहा है। डिस्प्ले कैसा आ रहा है? ब्लॉक। कैसे दिखाई दे रहा? ब्लॉक। हाँ, इसने बताया कि इस ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, दिखाई दे रहा है या नहीं? ये देखो, डिस्प्ले ब्लॉक, फॉन्ट साइज 2EM, ये बताऊंगा EM क्या होता है, पिक्सल क्या होता है ना, परसेंटेज में दे सकते हैं ये सारा। इसका फॉन्ट वेट, ये बोल्ड दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, इसका फॉन्ट वेट बोल्ड है, ये इसकी CSS बता रहा बाय डिफॉल्ट, जो इसकी CSS है, हम बाद में डिस्कस करेंगे CSS, अभी छोड़ दो, ठीक है? हो जाएगा, ये एडिटेबल है जैसे, है ना? ये है ना, एक मिनट रुको, नहीं हो जाएगा इससे भी, है ना? मैं दिखाऊंगा तुम्हें CSS में करके दिखाऊंगा, इसे एडिट करके। सर वो अपने प्रोग्राम में करना पड़ेगा ना, तो हाँ, ये जो बाय डिफॉल्ट CSS है इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। समझ रहे? समझ में आया? एक आउटपुट आता है तुम्हारा, इधर देखो, यहाँ पर एक छोटा सा मोबाइल का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करा, ठीक है? आपकी जो वेबसाइट है ये 702.400 विड्थ वाले डायग्राम में जो आपकी जो डिवाइस है उसमें आउटपुट कैसा दिखाई देगा, आपका गूगल इस तरह से लिखा आएगा, ठीक है? ये सारे मोबाइल फोन दे रखे हैं, हाँ, कि ये आपकी वेबसाइट अगर
ब्लैकबेरी जेड इसमें खोल लूं तो इस तरह से आउटपुट आएगा, समझ रहे? हाँ, लैपटॉप के लिए सबके अलग, हर डिवाइस के लिए अलग अलग है। तो हम सिखाएंगे ना तुम्हें, बूट स्ट्रैप इसी वजह से तो आई, समझ रहे? बूट स्ट्रैप इसी वजह से आई कि अगर लैपटॉप में मैं ओपन करूँ वेबसाइट तो ये इस लुक में आए, है ना, टैबलेट में खोलूँ तो इस लुक में आए, छोटे मोबाइल में खोलूँ तो इस लुक में आए, ऐसे हो जाए ऑटोमेटिकली। हाँ, प्रीडिफाइन होता है ना? नहीं नहीं, ये इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, उसके हिसाब से हम सिखाएंगे तुम्हें बूटस्ट्रैप में सारी चीज, टेक्निक सारी सारी, है ना। अब हम वेबसाइट अब सिर्फ अपने कंप्यूटर के लिए नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। कैसी? रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब क्या है? जो हर डिवाइस में सुटेबल हो, ऐसी साइट बनानी है, समझ रहे? तो हम उसी हिसाब से चलेंगे, उसके लिए बूटस्ट्रैप टेक्नोलॉजी थी, समझ रहे? हाँ, जब आप जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाओगे, यहाँ कंसोल होता है, ये कंसोल होता है, समझ रहे? जावास्क्रिप्ट का अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, उसका रन कराओ, इसका आउटपुट यहाँ आएगा। जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम बनाओ कोई भी, है ना, कहाँ एंटर टू नंबर, यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो इस कंसोल पर, समझ रहे? ये बहुत सारे चीज़ें हैं, आपको धीरे धीरे पता लगेंगे। हाँ, ये और भी हैं इसमें। देखो ये बता रहा है टॉप, टॉप में हमारा लोकल होस्ट है, क्या है? लोकल होस्ट। उसके अंदर कौन सा फोल्डर था? एग्जाम। उसके अंदर कौन सी फाइल है? इंडेक्स। इंडेक्स वाली फाइल खुली इस टाइम, उसका ये उसकी प्रोग्रामिंग है, ये इसकी प्रोग्रामिंग है इधर, समझ रहे? सर अब हो जाएगी ना सर, ये चेंज तो हो जाएगा तुम्हारा, कुछ भी कर लो, बताऊंगा तुम्हें वो कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, समझ आया था ना? तो हम ऐसे अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ये बोलो समझ में आया या नहीं? ये वेब ब्राउजर के बारे में हुआ आपके, ठीक है, और डिटेल में देखेंगे। हाँ, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम भी इसी में बनेगा, यहाँ पर बनाएंगे जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम, समझ रहे? यहाँ पर कहीं भी बना लो, हेड टैग के अंदर बना लो, बॉडी टैग के अंदर बना लो, कहीं भी बना लो, अलग फाइल में बना लो, कहीं भी बना सकते हैं। किसका? जावास्क्रिप्ट का, वो बाद की बात है, पहले अभी भी हमें डिजाइनिंग सीखनी है, ठीक है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ किसका? वेब ब्राउजर का।